जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की, यानी कि जन्माष्टमी की। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जो है सभी तरह के सांसारिक सुखों के दाता माने गए हैं। इसलिए दोस्तों जन्माष्टमी के दिन बहुत से ऐसे छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं जिससे जीवन की सारी अड़चने परेशानियाँ चिंताएं दुख तकलीफ जो है वो दूर हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 ऐसे आसान से उपाय, में से किसी भी एक उपाय को आप आजमा सकते हैं। दोस्तों इन उपायों को करने से आपको जो है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही दोस्तों आपके काम में जो अड़चन आने वाली है वो दूर होने लगती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपाय करने से अपने आप पैसा आने लगेगा, अपने आप तकलीफें दूर होने, ऐसा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जब हम किसी उपाय को करते हैं तो ईश्वर की कृपा से हमारे अंदर उस तकलीफ को लड़ने की और अधिक क्षमता आ जाती है, उसमें व्यवधान को दूर करने के रास्ते हमें दिखाई देने लगते हैं। साथ ही दोस्तों कई तरह के ऐसे शुभ संयोग हमारे साथ होने लगते हैं जिससे हमारे काम बनते चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इन उपायों को किया जाता है, आप इनमें से किसी भी एक उपाय को आजमा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बहुत जल्द आपकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाएंगी। तो जान लेते दोस्तों कौन से हैं बहुत ही शुभ फलदायी आसान से उपाय। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में पीताम्बरी के नाम से जाना जाता है। पीताम्बरी यानी कि जो पीत मतलब पीला, और अंबर यानी वस्त्र, जो पीले वस्त्र धारण किए हैं वही पीताम्बरी कहलाते हैं। और भगवान कृष्ण को पीला रंग विशेष तौर पर प्रिय होता है, इसलिए दोस्तों जन्माष्टमी के दिन हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहने, जो भी आपका ड्रेस है आउटफिट आप वो येलो कलर की चूज करें। साथ ही दोस्तों इस दिन पीले रंग के फल पीले रंग का अनाज दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भी इस दिन आपके घर में जो भी मूर्ति वगैरह है उनको आप पीले ड्रेस जो जरूर से पहनाएं। साथ ही दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि दान से बड़ा जो अन्य दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, इसलिए दोस्तों पीले रंग के अनाज का दान आप इस दिन जरूर से करें। दान करने से दोस्तों अपने ऊपर जो भी अड़चन परेशानी तकलीफ आने लगती है वो स्वतः ही दूर होने लगती है, क्योंकि अन्य के दान से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी तकलीफों को दूर करने में सहायता करती है। और दोस्तों दान करने का तरीका क्या है, जिस भी व्यक्ति के जीवन में अड़चनें ज़्यादा आ रही, जो भी नया काम करते हैं उसमें अड़चन आती है, कुछ काम करने की सोचो तो काम शुरू होने के पहले ही बंद हो जाता, तो बहुत तरह की तकलीफें, बेसिकली जो धन से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, तो उस व्यक्ति जिसके ऊपर इस तरह की समस्याएं अधिक आ रही है उनके ऊपर से आपने येलो रंग के अनाज को वार लेना है या येलो कलर की फ्रूट को वार लेना है और फिर किसी जरूरतमंद को दान कर देना है। दोस्तों इस उपाय से आप देखेंगे बहुत जल्द आपकी धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, कार्य में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर होने लगेंगी। और साथ ही आप जान लेते हैं दूसरा उपाय। दोस्तों ये जो उपाय है वो आपने क्या करना है, आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय उन्हें मक्खन मिश्री के साथ में उसमें तुलसी पत्र लगा रख कर आपने भोग लगाना है। दोस्तों रात को जब आप जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, यानी कि रात को 12 बजे जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, उस समय आप जब भगवान को भोग लगाते हैं तो मक्खन फ्रेश मक्खन रहे और गाय का मक्खन रहेगा तो और भी अच्छा है। तो उस मक्खन पे आपने मिश्री डालनी, चीनी बिल्कुल नहीं डालनी, और फिर उस पर तुलसी पत्र रख कर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा देना है। दोस्तों कहते हैं इस उपाय को करने से घर में धन की वर्षा होती है, यानी कि अपने आप जो है नए नए मार्ग जो धन आगमन के खुलने लगते हैं। अगला उपाय आपने क्या करना है, दोस्तों रात को 12 बजे रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को, जैसे कि जन्मोत्सव के समय हम क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है उन्हें स्नान करवाते हैं, स्नान के लिए जो दूध लेते हैं उसके अंदर आपने थोड़ी सी केसर मिला देनी है। उस केसर मिले दूध से अगर आप भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाते हैं तो दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अचानक धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। दोस्तों हो सकता है आपकी कोई लॉटरी लग जाए या फिर जो भी आप काम करने की सोच रहे हो उसके लिए आपके आगे से आगे मार्ग जो वो खुलने लग जाए। इसलिए आपने दोस्तों रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल को स्नान कराते वक्त दूध के अंदर थोड़ी सी केसर जरूर से मिक्स कर लेनी है।
दोस्तों अगला उपाय उन लोगों के लिए जो आर्थिक समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान है, जिनके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, जैसे पैसा आता है उससे कहीं ज्यादा पैसा व्यय हो जाता है, तो हर वक्त घर में पैसों की तंगी बनी रहती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय आपने कुछ रुपए मंदिर में चढ़ा देने हैं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास में आपने रख देने, और पूजा पूर्ण होने के बाद में आपने वो पैसे अपने पर्स में एक कलावा या मोली बांधकर अपनी पॉकेट में रख लेने दोस्तों। जिस पॉकेट में ये पैसे रहते हैं वो पॉकेट कभी भी खाली नहीं रहती है, चाहे दोस्तों आप अपने लॉकर में भी रख सकते हैं ताकि आपका लॉकर सदा भरा रहे। दोस्तों अगला जो उपाय बहुत ज्यादा सिद्ध उपाय माना गया और बहुत जल्दी इफेक्टिव माना गया है दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए क्या आपको करना है कि आपने जन्माष्टमी के दिन जल्दी उठना है और स्नान करने के बाद में पीले वस्त्र धारण करने, और पीले वस्त्र पहन कर आपने अपने घर के आसपास जो भी भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल का मंदिर है वहाँ आपने जाना है, और साथ में लेकर जाना है दोस्तों आपने पीले वस्त्र, और वहाँ पर जाकर आपने भगवान के सामने बैठना है और फिर भगवान श्री कृष्ण को तिलक लगाना है और उन्हें जो है जो पीले वस्त्र वो पहना देने, साथ में मक्खन मिश्र और तुलसी का आपने भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद में वहीं पर बैठकर एक विशेष मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का, क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र की एक माला ने 108 बार आपने जप करना है दोस्तों। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर यह मंत्र का जाप करता है उसके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, वहां सदैव मां लक्ष्मी का वास होता है। और अंतिम उपाय दोस्तों बहुत ही छोटा आसान सा उपाय है, करना क्या है आपने दक्षिणावर्ती शंख लेना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चन में जलाभिषेक करते समय आपने उसी दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल करना है, उसी शंख में जल भरकर, दूध भरकर, दही भरकर, शहद भरकर और मौसमी जो फल है उनका रस भरकर भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक करना है, और फिर शुद्ध जल से जलाभिषेक करके अपनी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण को कह देनी है। दोस्तों कहते हैं जो इस तरह से दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साधक माला माल हो जाता है। दोस्तों ये थे बहुत ही सरल से आसान से उपाय जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन करने, दोस्तों जो मंत्र मैंने बताया वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने बहुत ही ध्यान से जो है इस मंत्र को लिख लेना है या फोटो खींच के रख लेनी, और मंदिर में जाकर इस मंत्र की एक माला आपने जप कर लेनी। और दोस्तों ख्याल रहे जब भी हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें माला और आसन दोनों का विशेष महत्व होता है, आप अपना आसन अपने घर से लेकर जाएं और हो सके तो आप कमल गट्टी की माला से इस मंत्र का जाप करें। साथ ही दोस्तों वो व्यक्ति जो इस तरह के उपाय किसी व्यक्ति को सजेस्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत ही हितकारी रहता है, तो आप भी अपने जान पहचान के लोगों के साथ इन छोटे से आसान से सरल उपाय को जरूर से शेयर कर लें ताकि उन्हें भी इन उपायों का फायदा मिले और साथ में आपको भी उनका आशीर्वाद जो है वो मिल सके। दोस्तों आपने बहुत ही आसान से सरल से सिंपल तरीके से जन्माष्टमी की पूजा करनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही लंबे तरीके से पूजा करें, बहुत ऐसे सामान आप ढूंढ कर लेके आए जो आपके लिए अवेलेबल नहीं हो, घर में जो आसानी से अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, और अगर कोई सामान अवेलेबल ना हो तो उस स्थान पर आप मानस पूजा कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में अपने मन में ध्यान करते हुए आपने उन चीज़ों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना है, उससे भी भगवान कृष्ण जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों मन की सात्विकता बहुत जरूरी होती है, इस दिन आपने व्रत जरूर से करना चाहिए और साथ ही भगवान श्री कृष्ण को मक्खन मिश्र का जो है आपने भोग इस दिन जरूर से लगाना चाहिए, और साथ ही दोस्तों जो भी चीज़ का भोग लगाएं उसे आपने न्यास पर उसके लोगों के साथ वितरित जरूर करें, प्रसाद को बांटकर ही खाना चाहिए। तो इस तरह से आपने भगवान कृष्ण को मना लेना है ताकि आपके पूरे घर परिवार पर भगवान कृष्ण की कृपा सदा सदा के लिए बनी रहे। उम्मीद दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर जान पहचान के लोगों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक के साथ के थ्रू आप शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ ही रात को 12 बजे भगवान कृष्ण के
नाम का जयकारा लगाए, साथ ही बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री कृष्णा।